नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं क्रिक मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ी कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर अगर इस मैच में 2 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड इयान बॉथम के नाम है, जिन्होंने 1992 वर्ल्ड कप में 16 विकेट हासिल किए थे और जोफ्रा आर्चर अभी तक 15 विकेट हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, ये बात करते हैं दूसरे रिकॉर्ड की, तो इयान मॉर्गन अगर इस मैच में 51 रन बना लेते हैं तो वे इंग्लैंड के वनडे कप्तान के तौर पर 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। और जो तीसरा रिकॉर्ड है वो जो रूट अगर 30 रन बना लेते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। और इस समय रूट से आगे इस लिस्ट में एलिस्टर कुक जो 15,737 रन बना चुके हैं, केविन पीटरसन जो 13,779 रन बना चुके हैं और यान बेल जो 13,331 रन पे बने हुए हैं। बात की जाए एक और रिकॉर्ड की, तो डेविड वार्नर को इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने के लिए 55 रनों की दरकार है और अब तक ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी ही इस आंकड़े को छू पाए हैं। वहीं बात करते हैं एरॉन फिंच, अब तक इस वर्ल्ड कप में 396 रन बना चुके हैं और 3 रन बनाते ही वर्ल्ड कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बन जाएंगे। वह स्टीव वो का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जिनके नाम 398 रन दर्ज है। और इस मामले में पहले नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का कप्तान रहते हुए वर्ल्ड कप में 1160 रन बनाए हैं।